हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, 7:30 होने वाले हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में कम से कम एक बार तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाऊँ। दोपहर मैंने खिचड़ी बनाई थी, सुबह आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन सुबह और दोपहर को मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि अभी मेरे पास मेड नहीं है और मेरे पास काम बहुत होता है करने के लिए। तो मेरा ब्लॉग आजकल इवनिंग से ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अगर मॉर्निंग में मैं शूट करने लग जाऊं तो मुझे बहुत देर हो जाती है कामों के लिए। क्लीनिंग भी होती है, वॉशिंग भी होती है, कपड़े वपड़े वॉश करना, बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को नहलाना, बच्चे छोटे हैं दोनों, और हेयर वॉश वगैरह करने भी होते हैं। संडे है तो कल में भी मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि कल को मेरा एक टेस्ट है जो और रह रहा है। तो भगवान करे ये वाला टेस्ट मेरा बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, जिससे फिर मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जाऊँ और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी हमारी आगे बढ़े। और जो भी लोग मेरे ब्लॉग पे पहली बार आ रहे हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा जो ये चैनल है, मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, तो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसको कभी भी छोड़ूं। और अगर जब मैं ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा ना कि अगर मुझे आगे मोटिवेशन मिले, आप लोगों का सपोर्ट मिले, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, और वीडियो नहीं अच्छे लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो भी बताया करो यार। और होता है ना, अभी हमें ड्राइंग, किसी को होता है किसी चीज का शौक, जब हम कुछ खेलना शुरू करते हैं, ड्राइंग शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया। अच्छी बार रखा है हाथ में, मैं कान्हा जी की ड्राइंग दिखाऊं? दिखाओ। आज श्रीजा ने कान्हा जी की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, कितने क्यूट से लग रहे हैं कान्हा जी, है ना। और एक और भी है, एक और कहा है जिसमें कलर किया था मम्मी, वो थोड़ी सी बिगड़ गई। नहीं नहीं, बिगड़ी नहीं है, अच्छी बनी है। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मॉर्निंग में श्रीजा ने बनाई थी, देखो कितनी सुंदर है। कमेंट करके बताना कैसी लगी श्रीजा की ड्राइंग, आज ही सुबह से इसमें लगी हुई थी। और अच्छा है ना, बच्चे घर पे कुछ अच्छे काम करेंगे, उधम मचाने से तो बेहतर ही है। तो दो कान्हा जी की ड्राइंग बनाई है श्रीजा ने, बहुत अच्छी, कितने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे लग रहे हैं। स्केच लग के मोटे मोटा हो गया इसका फेस। कोई बात नहीं, कलरिंग तो धीरे धीरे ऐसे सीखोगे आप, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई हैं, पहले डिनर की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ आज। इस टाइम तक तो लगभग मेरा डिनर बन गया होता है क्योंकि जल्दी खा लेते हैं हस्बैंड खाना। तो डिनर को लेट इसलिए किया है क्योंकि हस्बैंड ने खाना है कुछ और ही। वो कोशिश करते हैं कि रात में वो एग वगैरह ज्यादा खाएं क्योंकि उनको तभी टाइम मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी डाइट लूंगा, तुम लोग अपनी डाइट ले लो। तो वो अगर खाएंगे तो एक आध रोटी खाएंगे पनीर से, तो रात में वो रोटियां वगैरह कम ही लेते हैं। जैसे मैं कुछ सब्जी बनाती हूँ ना तो उससे एक आधी रोटी ले लेते हैं, और वो अपनी डाइट यानी कि जो उनको डॉक्टर ने बता रखी है वो वाली चीजें ज्यादा लेते हैं। तो मैं भी उनको ज्यादा खाना खिलाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि ज्यादा प्रोटीन और इस तरह की चीजें उनके लिए बेहतर है। तो चलिए हम तो अपनी कुकिंग शुरू करते हैं, बच्चों को तो खाना खिलाना है ना। तो इधर है पनीर, इधर है मटर, और ये मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है। इसमें टमाटर, जिंजर, हरी मिर्च, ये सब है। मैं एक साथ पीस लेती हूँ इन सब चीजों को, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बना क्या रही हूँ इंग्रेडिएंट्स देख के ना। मैं सोच रही हूँ फूड प्रोसेसर निकला हुआ है तो आटा भी इसी में बना लेती हूँ। तो दो कटोरी आटा मैंने नाप बना रखी है, दो कटोरी आटा इसमें बड़ा इजीली बन जाता है, उससे ज्यादा नहीं बनाना। अब मैंने एक नाप बना ली है। अभी गेट पे कोई आया, देखती हूँ कौन है। आई थिंक प्रेस वाले भाई आऊंगे। सही कहा मम्मी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े। हाँ आए भैया, देख कपड़े प्रेस होके आ गए हैं क्योंकि मेरे को तो टाइम नहीं लग पा रहा आजकल कि मैं कपड़े प्रेस करूं। सो फ्रेंड्स, मैं चलिए फ्राई कर लेती हूँ अपनी सब्जी को। तो मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के अच्छे से पका लिया, इसमें जीरा डाल दिया और हींग, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं हर सब्जी में डालती हूँ, पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए ठीक रहता है। तो उसके बाद मैंने हींग डाल दिया, और उसके बाद ये प्याज का पेस्ट जो मैंने बनाया था, और प्याज में ही मैं तो लहसुन को भी एक साथ में ही पीस लेती हूँ तो मुझे ठीक लगता है। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी प्याज को इसमें। तो प्याज मेरी लगभग फ्राई हो गई है, तो उसके बाद में मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। टमाटर के साथ ही मैंने हरी मिर्च अदरक भी पीस रखा है। तो इस तरह से अगर आप ग्रेवी बनाते हो तो ठीक बन जाती है, अच्छी बनती है, बढ़िया। तो मैं तो इस तरह से अदरक का और इसका लहसुन का पेस्ट अलग अलग नहीं बनाती, मैं टमाटर में ही डाल लेती हूँ, तो वो अच्छा टेस्ट आता है अदरक का इसके साथ में। और हरी मिर्च भी मैंने इसी में पीस रखी है। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इसी टाइम पे मैं सारे बेसिक मसाले डालूंगी जो कि मैं डालती हूँ। और मसाले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो मैं मार्केट से ले आती थी, बट मैं अब सब अपने घर पे ही बनाती हूँ। पनीर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर पे ही बनाऊँ अधिकतर,
कभी कभी मंगाती हूँ बाहर से, लेकिन अधिकतर कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बनाऊँ। बस ये हल्दी मेरे घर की पिसी हुई नहीं है, नहीं तो सारे मसाले अधिकतर मैं अपने घर पे पीस के रखती हूँ। और कुछ होते हैं पाव भाजी वगैरह मसाले, वो लाती हूँ मार्केट से। ऐसा नहीं कि मार्केट के मसाले यूज़ नहीं करती, लेकिन जो मेन घर का गरम मसाला होता है तो मैं इसमें बेसिक मसाले डाल लिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कलर वाली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो कि मैंने पाउडर बना के रखा है, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल लिया है, और सॉल्ट भी। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मसाले फ्राई कर लूँगी मैं इस तरह से। और मैं बहुत ज़्यादा ऑयल खाने में डालती नहीं हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को आदत पड़ गई है, जब से मेरे हस्बैंड का किडनी इशू आया कि तो तब से हम लोगों को कम ऑयल खाने की आदत पड़ गई, और जो कि एक अच्छी हैबिट है। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से हम ऑयल पे आएं, क्योंकि टिल लाइफ हमें ये फॉलो करना हो। तो मेरी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो गई, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आ रही है। अभी मैं इसमें मटर भी डालूंगी और अच्छे से फिर इसको पकाऊंगी, बॉईल करूंगी। और अगर मटर पनीर में आप मटर को पहले से हल्का सा बॉईल करके डालो तो भी अच्छा टेस्ट आता है। और ये पनीर मैंने पहले से ही कट करके रखा है, उस दिन मैंने बच्चों के लिए पनीर के पकौड़े बनाए थे ना, तो उस दिन का ही मेरा बचा हुआ थोड़ा पनीर रखा था, तो मैंने सोचा चलो मटर पनीर बना लेती हूँ। तो घर में चीज़ें अवेलेबल हों तो सोचना नहीं पड़ता। और अभी मैंने सॉल्ट नहीं डाला था तो अभी डाल रही हूँ, और सॉल्ट भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बिल्कुल लिमिटेड डालती हूँ, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेरे हस्बैंड के। और इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल दूंगी, ये भी मैंने घर पे सुखा के रखी है, इसकी वीडियो आपके साथ मैं शेयर भी करी थी। तो देखिए मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो गई, कलर भी कितना सुंदर आया है। सो गाइज अभी मैं इसमें डालूंगी पनीर, क्योंकि बच्चों को मेरे तो कच्चा पनीर ही पसंद है, किसी किसी को ना फ्राई करा हुआ पसंद होता है, लेकिन फिर बच्चे ही नहीं खाएंगे तो फिर क्या फायदा। तो मेरे बच्चों को तो ऐसे ही कच्चा वाला पसंद है, तो मैं ऐसे ही डालूंगी। और मेरी सब्जी लगभग रेडी है, थोड़ी देर पकेगी, तो इतना रोटियां बना लूंगी और बच्चों को जल्दी डिनर कराऊंगी। तो मैंने पीछे वाली गैस पे रख लिया, और देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार ही है। तो किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी का टेस्ट बढ़ाना हो ना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक टिप मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैं फॉलो करती हूँ हमेशा। तो ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर हो जाता है इसका। तो मैं तो हमेशा जैसे दूध की मलाई होती है ना, तो फ्रेश क्रीम दूध की मैं डाल देती हूँ, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी सब्जी का। अब मम्मी को तो रहता ही हमारे बच्चे अच्छे से दूध मलाई सब खाएं, तो मैंने इसमें मलाई भी डाल दी है। अभी मैं बच्चों के लिए जल्दी से रोटी बनाऊंगी, फिर बच्चों को रोटी खिलाऊंगी, और क्योंकि सक्षम फिर लेट हो जाता है, उसको भूख लगी है, और एक टाइम होता है ना खाने का बच्चों के भी, ज्यादा लेट दो तो फिर वो ठीक से खाना खाते कहाँ हैं। सो इधर श्रीजा खा रही है खाना, इसको पनीर की सब्जी इसको वैसे भी काफी पसंद रहती है हमेशा, और इसको प्याज खाना पसंद होता है सैलड में ऐसी सब्जियों के साथ में। और ये है सक्षम की प्लेट, तो सक्षम को तो मैं अपने आप ही खिलाऊंगी, नहीं तो खाना ठीक से खाता ही नहीं। सो गाइस डिनर हो चुका है, और मैं बैठी हूँ अपने बेडरूम में, और ये कर रही हूँ अपना कुछ काम। तो ये मैंने अपना प्लानर बनाया था, आपको दिखाया था, तो प्लानर के स्टिकर नहीं बचे, बच्चों ने सब निकाल लिए। तो अभी मैं प्लानर फिल कर रही थी, और मैं सच बताऊँ तो इस प्लानर को बनाने का मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो प्लानर से क्या फायदा होता है, आप बना के देखिए। अगर आप किसी चीज के लिए सोच रहे हो ना, या आपकी चीजें आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाती है, आप सोचते हो कि रोज मैं ये काम करूंगी या करूंगा और नहीं कर पाते, तो आई थिंक प्लानर बहुत ही गुड आइडिया है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी रात में मैं बैठी हूँ, तो मैं आज का सारा फिल कर दूंगी। आज को तो मैंने कल रात फिल कर दिया था, एंड ये जो मेरा हाउ वाज द डे, ये जरूर फिल करती हूँ, इससे मुझे रहता है कि आज मेरा दिन कैसा रहा, और मैं अपने आप को इंस्पायर करती हूँ कल के आने वाले कामों के लिए। और कभी भी मैं आपको अपने आप को डीमोटिवेट फील नहीं करती, और मुझे लगता है जो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो रियली में हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, हमारी पावर जो होती है ना अंदर की बहुत बढ़ती जाती है। तो कल को है मंडे, तो मैं मंडे का जो मेरा प्लानर है वो फिल कर रही थी। तो एक दिन पहले रात को फिल कर लो तो बहुत सही रहता है, देखो बाल कैसे हो रहे हैं, तो ठीक रहता है। फिर हमें कल के कामों के लिए हमारी लिस्ट होती है, हमारा माइंड सेट होता है कि सुबह हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, और एक्स्ट्रा वर्क हमको क्या करना है। तो एक एक्स्ट्रा वर्क तो रोज लेके चलना चाहिए। और कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें पॉइंट आउट की हैं, जो कि मुझे हॉस्पिटल जाने से पहले अपनी श्रीजा को सिखानी पड़ेगी, तो वो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि श्रीजा छोटी है बट इतनी छोटी नहीं है कि वो बातों को ना समझे, वो सिचुएशन को काफी अच्छे से समझती है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी उससे पहले, क्योंकि बच्चों को स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जब मैं हूं, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी, सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने आप को ढाल लिया। अगर आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो आप या तो परेशान रहेंगे
या फिर आप असफल रहेंगे। तो जिससे कि आप असफल और परेशान ना हो, अपने आप को उस हिसाब से डाल लीजिए। तो मैं अपने प्लानर को फिल कर रही थी और बैठे बैठे अभी मुझे एक ख्याल आ रहा था, मैं आपको सच में बताती हूँ। और आज ही मैंने अपना ना, आज ठंड बहुत हो रही है मेरठ में, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है आसपास के एरिया में सभी जगह। और ये ब्लैंकेट आज मैंने, इसके नीचे भी गर्म चादर है, वो ब्लैंकेट होता ना पतला सा, लेकिन ये इसके ऊपर बिछा लिया। और मेरे घर में जितने भी ब्लैंकेट है ना, सारे मेरी मम्मी के दिए हुए हैं। मेरे पास 7-8 ब्लैंकेट हैं, सारे मेरी मम्मी के दिए हुए हैं। तो मम्मी हर बार सर्दियों में खरीदती हैं और मेरे लिए भिजवाती हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं मम्मी को कहती हुई थी परेशान ना हुआ करो, मम्मी कहती है परेशान नहीं बेटा, मम्मियों को बहुत चिंता रहती है हमारी। और आज मम्मी का फोन आया था, बहुत परेशान हो रही थी, कैसे होगा कैसे होगा। मैंने कहा हो जाएगा, जैसे होगा, परेशान ना हुआ करो, सब हो जाता है जब टाइम आता है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी ना, तो अभी बैठी थी यार मम्मी की बात पे, एक याद आई बात। अभी मैं बैठी हुई सोच रही थी कि वो होती तो कितनी आसान हो जाती चीज़ें। अब आप पूछोगे वो कौन, मेरी एल्डर सिस्टर खुशी की मम्मा। तो यार उसका, वो मेरा एक हेल्पिंग है, मैं आपको सच बताऊं, मतलब मेरी जो दीदी थी है मेरे साथ, तो वो हमेशा ही है, लेकिन रियल में तो वो थी ना। तो जब वो थी ना, तो मतलब उसके होने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती थी लाइफ में। मुझे याद है मेरी दीदी जो है ना, मेरी जेठानी है, जेठानी थी क्या कहूँ, समझ ही नहीं आता मेरे को। मेरी दीदी की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में। तो बात ये नहीं कि मैं आज मुश्किल में हूँ तभी उसको याद करूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई पल ऐसा नहीं जाता जब मैं अपनी दीदी को याद ना करती हूँ। तो मुझे अभी अपनी दीदी की याद आ रही थी। तो हम 4 सिस्टर्स हैं एक्चुअली ना, है मतलब अब तो हम 3 ही रह गए। तो पहले तो ऐसे ही होते थे, कई कई बच्चे होते थे। तो जो मेरी बड़ी दीदियाँ हैं दोनों दिल्ली में रहती हैं, और जो मेरी, मेरे से बड़ी वाली दीदी थी वो मेरी जेठानी भी थी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनके देवर हैं। तो जब मेरी दीदी थी तो मेरे लिए बहुत इजी होती थी सारी चीज़ें हैंडल करना, वो हर चीज़ में मेरी बहुत मदद करती थी। जब मेरी शादी हुई, मैं शादी होकर इस घर में आई, तो कितनी बातें जो हम अपने ससुराल वालों से, मतलब डरती है ना लड़की एकदम से कहने से, तो मैं चुपके से दीदी से बोलती थी, दीदी ऐसे ऐसे क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये नहीं आ रहा, कुछ कर रही हूँ और डर गई, बनाते बनाते इसमें कितनी नमक डालूँ, कितनी मिर्ची डालूँ, क्या करूँ, या कुछ नहीं बन रहा। तो दीदी कहती थी तू हट जा, मैं कर लूँगी अपने आप। और मुझे याद है जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, जब मेरा सक्षम हुआ था और गौरी हुई थी, तो उससे पहले जब मेरा सक्षम हुआ था, मैं मेरठ में ही थी और वो रामराज से आती थी और मेरे लिए सारी चीजें तैयार करके जाती थी, मेरा खाना भी कुक करती थी, बहुत उसने मेरी हेल्प की। तो अपनी बहन को मैं कैसे भूल सकती हूँ, नहीं भूल सकती। और बात यही नहीं है कि उसने मेरे लिए क्या किया या मैंने उनके लिए क्या किया। देखिए जो बड़ी बहन या बड़े भाई होते हैं ना, उनका जो प्यार होता है ना, उसका तो कोई कीमत ही नहीं होती, मतलब उसका तो हम ऋण चुका ही नहीं सकते। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है और आज मैं इतनी पॉजिटिव पर्सन हूँ, उसके पीछे भी मेरी दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बताती हूँ, सक्षम आ गया, मैं आज इतनी टेंशन में, इतनी डिफिकल्टी में भी स्माइल करती हूँ। जब मेरी दीदी इस दुनिया से गई थी तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, फिर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, अपने आप को फिर से स्टैंड किया, फिर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए। तो मुझे लगा कि जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है जिसका मुकाबला मुझको करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह करना पड़ेगा, उसको मैं छोड़ नहीं सकती, उसमें मुझे आगे निकलना ही होगा। और मुझे याद है जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी आती थी कि मेरे वीडियो कौन देखेगा यार, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ऐसा नया भी नहीं करती, एक हाउस वाइफ हूँ, सिंपल सी हूँ, बहुत हाई फाई नहीं हूँ, बहुत चीज़ें जैसे क्या करते हैं ना, बहुत शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, उनकी वीडियो ज़्यादा देखते हैं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं, मैं इतनी शॉपिंग भी नहीं करती, लोग मेरी वीडियो क्यों देखेंगे। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मेरी दीदी का पार्लर था और मेरी दीदी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन थी, अपने आसपास के एरिया में काफ़ी फेमस थी, वो हमारे रामराज में है, नाम नहीं बताऊंगी पार्लर का, सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम यूट्यूब पे। तो मेरी जो दीदी थी ना, उनका पार्लर था, मेरी दीदी ने एक ड्रेसिंग टेबल से अपना पार्लर शुरू किया था, जो उसकी शादी का ड्रेसिंग टेबल था ना। तो मैं, कुछ होती हैं देखिए लाइफ में सभी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें लेडी को बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, ऐसा सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते यहाँ पे, और सब चीजें शेयर भी नहीं करी जाती। देखिए टफ टाइम सभी की लाइफ में आता है, कभी लाइफ में अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं। तो मेरी सिस्टर ने एक ड्रेसिंग टेबल से अपना काम स्टार्ट किया था, अपना जो पार्लर है वो स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे मेरी दीदी बहुत घबराती थी, मैं इतनी घबराती नहीं हूँ हमेशा से, मैं अंदर से स्ट्रांग पर्सन हूँ, बस मैं फिजिकली इतनी स्ट्रेस नहीं सहन कर सकती, मैं थक जाती हूँ और मतलब मुझे ना अपनी बॉडी को मैं ज्यादा परेशानी नहीं दे सकती, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो
वो मुझसे कहती थी कोमल थ्रेडिंग गड़बड़ हो जाएगी, मेरा नाम निक नेम कोमल है, तो मैं कहती थी नहीं होगी नहीं होगी दीदी चलो। मेरी दीदी ने एक ड्रेसिंग टेबल से वो पार्लर स्टार्ट करके, मेरी दीदी का पार्लर नंबर वन था वहां पे, और एक दिन में मेरी बहन के पार्लर में चार चार पांच पांच दुल्हने तैयार होने आती थी। और एक टाइम ऐसा था जब मेरी दीदी की डेथ हुई थी उससे कुछ दिन पहले, कि मेरी दीदी के पार्लर में इतनी भीड़ रहती, मतलब मेरी दीदी की जो हेल्पर होती है ना, छह सात लड़कियां उनकी हेल्प में लगी होती थी। तो आप समझ सकते हैं जब हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, और जब मेरी बहन इतना कुछ कर सकती है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उनसे। और मैं हारने वाले लोगों में से नहीं हूँ और मैं नहीं हारूंगी, मैं यूट्यूब चैनल के लिए अपने लगी रहूंगी, कभी ना कभी तो मेरा भी टाइम आएगा, मैं कामयाब होंगी। और आप लोग प्रे करना यार कि वो दिन जल्दी आए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसके लिए। और ये जो मेरी वीडियो अब मैं बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ रात को, तो इसको मैं अभी एडिट कर लेती हूँ और मैं सुबह के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रखती हूँ। तो मुझे सुबह हॉस्पिटल भी जाना है, चेकअप भी कराना है, मेरे घर की हाउस होल्ड ड्यूटीज पूरी होती है। अभी मैंने पूरा काम हैंडल कर रखा है, लेकिन मेरा कोई काम रोज ऐसा नहीं होता जो गड़बड़ हो रहा हो, या मेरे बच्चों को मैं टाइम से खाना ना दे के जा रही हूँ, कुछ काम मेरा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपना माइंड सेट कर रखा है। मेरा प्लानर मेरी बहुत हेल्प करता है। तो आई होप आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उससे आगे निकलने की कोशिश कीजिए दोस्तों। उसमें फंस के रोने धोने से, उसको टेंशन लेने से, क्या होगा कैसे करूंगी, ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए दिए हैं, और ये जो दिमाग दिया है इसको सोच के समझ के अपनी चीजों को हैंडल करने के लिए दिया है। इनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी चीजों को आसान बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। अपनी अपनी लाइफ को और ज्यादा स्ट्रेस में पहुंचा के अपने आप को उन चीजों में उलझाने के बदले उस चीज से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा आपकी जिंदगी आसान हो रही है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्तों, आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट का मतलब सपोर्ट की जरूरत, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं नए वीडियो में, फिर से कल को मिलते हैं। तो देखिए कभी कभी जवान फिसल जाती है, कल को नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, बहुत ठंडी हवा चल रही है, कपड़े ठीक से पहनना, बाहर रात को मत घूमना, बाय बाय।